अजीबोगरीब परंपरा बुरी आत्माओं से बचाने के लिए इस देश में होता है कुछ ऐसा। इंडोनेशिया के बाली में सदियों से एक अजीबोगरीब धार्मिक परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के मुताबिक युवाओं से बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए उनके दांतों को नुकीला किया जाता है। 5वीं सदी में हिंदू धर्म के बाली में आने के बाद से शुरू हुई इस परंपरा में युवाओं को पूरी प्रक्रिया के दौरान शांत रहना होता है। दांतों को पैना करके बनाया जाता है पूरा इंसान। 5वीं सदी में हिंदू सभ्यता आने के बाद शुरू हुई परंपरा। इंडोनेशिया के बाली में दक्षिण में स्थित एक गाँव में इस परंपरा की शुरुआत 5वीं सदी के आसपास मानी जाती है। लड़के और लड़कियों में शारीरिक बदलावों के शुरू होते ही उन्हें इन रिवाजों से गुजरना पड़ता है। गांव के युवक और युवतियां पीले रंग के कपड़े पहनकर इस प्रथा में हिस्सा लेते हैं। माना जाता है कि इस प्रथा में युवाओं से बुरी ताकतों को दूर किया जाता है। इन धार्मिक रिवाजों में भाग लेने से पहले युवाओं को 2 दिनों तक पूजा और अनुष्ठान में भाग लेना होता है। पवित्र इंसान बनाने का है रिवाज। मंदिर के पुजारी पहले इन युवाओं को पवित्र जल से शुद्ध करते हैं। इस रस्म को मेंब्यकला कहा जाता है। रस्म शुरू करने से पहले युवाओं के दांतों में रूबी की एक रिंग लगाई जाती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस रिंग की से बुरी ताकतों को दूर रखने में मदद मिलती है। इसके बाद उनके दांतों के बीच गन्ने का एक हिस्सा रख दिया जाता है ताकि इस रस्म में होने वाली सर्जरी के जाने के दौरान उनका मुँह खुला रह सके। इस रस्म के दौरान परिवार के सदस्य इन युवाओं को घेर लेते हैं। बताया जाता है कि रस्म के दौरान परिवार वाले अपने बच्चों को घेरकर बुरी आत्माओं से बचाते हैं। कहा जाता है कि इस रस्म से युवाओं में पहले से मौजूद गलत लक्षण जैसे लालच, जलन, क्रोध, नशा और अहंकार निकल जाते हैं। बुरे प्रभावों से बचाने के लिए जारी है परंपरा। मान्यताओं के अनुसार इस रस्म में हिस्सा न लेने वालों को स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि बिना इस रस्म को निभाए उन्हें जंगली जानवर समझा जा सकता है। बाली में युवाओं के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। इस परंपरा में युवाओं को बिना किसी शिकायत के हिस्सा लेना होता है। पुजारी द्वारा इस रस्म को पूरा किए जाने के बाद ही युवाओं को बुरे प्रभाव से मुक्त पवित्र इंसान माना जाता है।